तो मेरे प्यारे दोस्तों, आईपीएल 2022 बहुत पास आ रहा है और आप सब लोग एक्साइटेड होंगे जानने के लिए कि कौन से प्लेयर्स को किस टीम ने रिटेन किया हुआ है। अभी दो दिन में ऑफिशियल वेबसाइट पे सारे रिटेन्ड प्लेयर का लिस्ट आ जाएगा। इसमें जो है चेन्नई सुपर किंग पहला टीम था जिसने कि अपने प्लेयर्स का अनाउंसमेंट कर दिया है कि वो किसको किसको रिटेन करने वाले हैं। बोलते हैं ना कि धोनी है तो मुमकिन है। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों, धोनी पहला प्लेयर है जिसको कि चेन्नई सुपर किंग रिटेन करने जा रही है। ये है स्टार दम का कमाल। जो धोनी का जो वैल्यू है वो सीएसके के सारे प्लेयर्स के बराबर है। धोनी है इसीलिए सारे इंडिया के लोग सीएसके के सारे मैच को देखते हैं। जब भी सीएसके का मैच होने वाले रहता है तो देखेंगे आपकी सबसे ज़्यादा सर्च बढ़ जाता है, उस दिन सबसे ज़्यादा लोग देखते हैं उस मैच को। तो धोनी का जो वैल्यू है वो है और हमेशा रहेगा, और धोनी जब तक खेलेगा सीएसके उनको रिटेन करता रहेगा। ऋतुराज गायकवाड़ नंबर दो पर आते हैं और इस मराठी मानुष का तो बात ही कुछ और है। अगर ये बंदा ऑक्शन में गया तो आप बिलीव करके चलिए कि कम से कम 15 करोड़ में ये बंदा बिकने वाला है। अब ये जानने की बात रहेगी कि सीएसके इनको कितना देने वाला है इस साल, और ये खिलाड़ी कमाल है। तो ऋतुराज गायकवाड़ आ रहे हैं नंबर दो पर, जिसको कि सीएसके ने रिटेन किया हुआ है। कहते हैं ना अब उनका टाइम आएगा। ये हैं सर जडेजा, जिनको कि मजाक में लोग सर कहना शुरू किए थे और आज इनको सम्मान के साथ सर बोला जाता है। कमाल के फील्डर, कमाल के बैट्समैन, कमाल के ऑलराउंडर। ये हैं नंबर तीन सीएसके के प्लेयर जिसको कि सीएसके ने रिटेन किया हुआ है। चौथे नंबर पे आते हैं मोइन अली, वही बैट्समैन जिसके आने के बाद सीएसके का रंग रूप ही बदल गया था और एक के बाद एक सीएसके मैच जीती गई और फाइनली उन्होंने 2021 आईपीएल का ताज अपने सर पे रखा। थोड़ा सा कंफ्यूजन है क्योंकि मोइन अली का जो है सस्पेंस है अभी कि पक्का कि ये खेल पाएंगे 2022 में सीएसके के साथ कि नहीं। इसके लिए जो है सैम करन सेकेंड ऑप्शन में आएंगे अगर सपोज दैट कि मोइन अली सीएसके ज्वाइन नहीं कर पाते हैं। लेकिन हम तो यही चाहेंगे कि मोइन अली जो है सीएसके को ज्वाइन करे और ये नंबर फोर प्लेयर बने सीएसके के रिटेन प्लेयर लिस्ट में। तो ये था सीएसके का रिटेन प्लेयर लिस्ट, और मतलब मुझे तो लगता है कि यही चार है क्योंकि ऑफिशियली हमको तो पता चला है जैसा कि ये चार लोग हैं जिसको कि वो लोग रिटेन करने वाले हैं, बट दो दिन में आपको ऑफिशियली अनाउंसमेंट भी हो जाएगा। और आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको ऐसे ही आईपीएल से रिलेटेड बहुत सारे न्यूज़ समय समय पर भेजते रहेंगे। धन्यवाद।